हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 13 इयर्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि रूट केनाल के बाद क्या क्राउन इम्पॉर्टेंट है, या डेंटल कैप और क्राउन लगाना जरूरी है, और नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। इसमें आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से और बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊंगी कि अगर आप कैप नहीं लगाते तो क्या प्रॉब्लम है, और क्या इस दांत को ऐसे छोड़ सकते हैं क्या। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। और सभी डेंटिस्ट रूट कैनाल के बाद डेंटल क्राउन लगाने के लिए कहते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि रूट कैनाल के बाद ऐसा क्या होता है जिसमें क्राउन के लिए इम्पोर्टेंस दी जाती है, या फिर क्राउन के लिए डॉक्टर कहते हैं। तो जैसे हर एक दांत की अपनी एक नर्व वेसल्स होती है, नसें होती है, जो उस दांत को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उसको स्ट्रांग बना के रखती है। जब उन नर्व्स में, उन नसों में कोई इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो दांत की कैविटी की वजह से हो, या फिर दांत टूट गया हो उस वजह से हो, या फिर किसी और रीजन से भी अगर दांतों की नसों में इन्फेक्शन है, तो उस टाइम पे हम लोग कहते हैं कि रूट कैनाल करना पड़ेगा। तो रूट कैनाल में बेसिकली होता क्या है कि दांत की जो नसें होती है, जो इन्फेक्टेड नस होती है, उसको हम रिमूव कर देते हैं और उसके अंदर फिलिंग मटीरियल डाल देते हैं। तो ये रूट कैनाल का प्रोसीजर होता है। लेकिन अब इसके बाद कैप क्यों लगाया जाता है, क्यों डेंटिस्ट कहते हैं कि कैप की इम्पॉर्टेंट है या फिर कैप लगाइए, तो जानते हैं उसके बारे में। मैं सिंपल एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी। आप इस तरीके से मान सकते हो कि कोई एक ट्री है, हम उस पेड़ की कोई स्टेम को तोड़ दें, ब्रेक कर दें, तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि जो स्टेम है वो बिल्कुल डल होने लग जाएगी, वो इजिली ब्रेकेबल हो जाएगा, ब्रिटिल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो पेड़ से जुड़ा है तो उसमें अच्छे से नरिशमेंट जा रहा है, लेकिन जैसे ही हमने उसको ब्रेक कर दिया तो उसका नरिशमेंट, उसकी नर्व सप्लाई सब कट हो जाती है एंड वो एक ब्रिटिल की तरह डेड हो जाता है। तो उसी तरीके से आपका दांत भी है। जब तक वो दांत हेल्दी था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब उसमें इन्फेक्शन लगा तो आपको प्रॉब्लम होने लगी। अब हमने वो इन्फेक्शन, उन नर्व्स को कट कर दिया, तो वो दांत दांत डेड हो चुका है, उसमें कोई नर्व सप्लाई नहीं है। तो अगर आप कुछ भी हार्ड चीज़ें खाओगे तो वहाँ से ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एक ब्रिटिल हो चुका है, वो डेड हो चुका है। तो दांत को सेव करने का जो मेन पर्पस रहता है कि दांत को स्ट्रांग बना के रखें, तो वो स्ट्रांग नहीं रह पाता है। तो हमें उसको बचाने के लिए कि दांत ब्रेक ना हो, तो उसके लिए कैप लगाया जाता है, जिससे कि आप आराम से अपना खाना खा सकते हो। नॉन वेज हो, नॉन वेजिटेरियन हो तो आराम से अपना खाना खा सकते हो, वेजिटेरियन भी हो तो भी अपना खाना आराम से खा सकते हो, उसमें ब्रेक होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसीलिए कैप की इम्पोर्टेंस दी जाती है और कैप के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट क्या करते हैं, कैप नहीं लगाते, इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, नेग्लिजेंस रहता है ज़्यादा कि नहीं कैप नहीं लगाते, छोड़ो अभी पेन तो हो नहीं रहा है। लेकिन कभी भी वो कुछ हार्ड चीज़ें खाएंगे, लाइक गोवा उन्होंने खा लिया, नॉन वेजिटेरियन है तो कुछ ऐसा खा लिया जिससे उनका दांत फ्रैक्चर हो सकता है और ब्रेक हो सकता है। और अगर एक बार दांत फ्रैक्चर हो गया तो फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता सिवाय दांत निकालने का, तो दांत रिमूव करना पड़ता है। तो उस टाइम पे आपका रूट कैनाल भी फेल हो जाएगा और हम लोग कुछ और ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हो कि आपका दांत बच जाए, तो डेंटल कैप के लिए और क्राउन के लिए ज़रूर जाइए, उसको ऐसे नेग्लेक्ट मत कीजिए। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना आपका रूट कैनाल कराना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपके दांतों में कैप लगाना भी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दांतों में कैप नहीं लगाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।